एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने तकरीबन एक साल के बाद अपने शो संजीवनी 2 के फ्लॉप होने पर काफी कुछ कहा है। सुरभि ने संजीवनी 2 के हिट ना होने की वजह बताते हुए ये भी कहा कि वो खुद भी इस शो के फ्लॉप होने की जिम्मेदार हैं। जी हाँ, साल 2019 में जब इस पॉपुलर शो को ऑन एयर किया गया था तो ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट देखी गई थी। शो में डॉक्टर ईशानी अरोड़ा के रोल में सुरभि को काफी पसंद भी किया गया था। शो में सुरभि के अलावा नमित खन्ना, गुरदीप कोहली, मनीष पहल भी नजर आए थे, लेकिन महज 8 महीने बाद ही शो को ऑफ एयर कर दिया गया। शो 12 अगस्त 2019 को ऑन एयर किया गया था और 155 एपिसोड्स के बाद 13 मार्च 2020 को ऑफ एयर हुआ। लेकिन अब तकरीबन एक साल बाद शो की लीड एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने इसके फ्लॉप होने का खुलासा किया है। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में सुरभि ने इस बात का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरभि ने कहा, उन दिनों में संजीवनी सबसे अच्छे शोज में से एक था जिसमें मोहनीश बहल, गुरदीप जी जैसे कलाकार थे। फिर आप इसके लिए एक और सीजन लेकर आते हैं जो एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो उस चीज को छू नहीं पाए। मैं इसे ईमानदारी से कह रही हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन लोग ये नहीं जान पाते कि जब कोई शो अच्छा काम नहीं कर पाता तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। चैनल और प्रोडक्शन राइटर्स के बीच बहुत से क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, सभी को एक ही प्रोजेक्ट पर लाना भी एक काम है। इसे एक तरफ रखकर मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदारी है और मैं इसका पालन करती हूँ। वही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुरभि ने बताया, जैसे संजीवनी नहीं चला इतने बढ़िया तरीके से, वेल, जैसे कि लोगों को उम्मीदें थी, सो आई ऑल्सो टेक ऑनरशिप ऑफ इट एंड से कि हाँ, मैंने एक ऐसा शो किया जिसे मुझे उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई शो सक्सेसफुल नहीं होता तो तुम्हें उसका क्रेडिट दिया जाता है, तो फिर अगर शो कुछ अच्छा नहीं करता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले सकते। आपको बता दें कि संजीवनी का पहला पार्ट साल 2002 में रिलीज किया गया था जिसमें मोहनीश बहल, गुरदीप कोहली, गौरव छन्ना, रूपाली गांगुली नजर आए थे। शो 3 साल तक ऑडियंस को एंटरटेन करता रहा था और इस शो की कामयाबी को देखते हुए शो के मेकर्स दूसरे सीजन को सालों बाद इस उम्मीद से लेकर आए थे कि शायद ये शो भी वैसा ही कमाल करेगा, लेकिन अफसोस कि ये शो फ्लॉप साबित हुआ। खैर, इस शो को बंद हुए लंबा वक्त बीत चुका है और सुरभि ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश में है जो दमदार हो और ऑडियंस की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे भी उतर सकें।